सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवे। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें। और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755274274। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामझाजर, मैं हूं राजकुमार यादव। अपने जुर्म को छुपाने के लिए शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालक मानद दास बघेल के द्वारा पत्रकारों को दिया जा रहा जान से मारने और पीटने की धमकी, क्या है पूरा मामला देखिए इस खबर में। अपने जुर्म को छुपाने के लिए शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालक मानद दास बघेल के द्वारा पत्रकारों को दिया जा रहा है जान से मारने की धमकी। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के ग्राम पंचायत झलकी के शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालक मानद दास बघेल का कहना है कि मैं अप्रैल मई जून का वितरण कर चुका हूं, लेकिन हितग्राहियों का कहना है कि हमारे राशन कार्ड में किसी का अप्रैल माह का चावल राशन कार्ड में दर्ज नहीं किया गया है, ना ही मिट्टी तेल देते हैं और ना ही चावल। तो 4-6 माह के अंतराल में मिट्टी तेल एक बार वितरण करते हैं। इसके अलावा ग्रामीणों का यह भी कहना है कि 2 माह का चावल एक साथ देते हैं तो शक्कर 1 माह का ही दिया जाता है और बचा हुआ शक्कर 2 माह का नहीं दिया जाता। जब इस विषय में ग्रामीणों के द्वारा जानकारी लेने पर अभी नहीं आया है और अधिक जानकारी लेना है तो लोरमी जाओ कहकर भगा दिया जाता है। नहीं जाने की स्थिति में मारने पीटने की धमकी सरपंच द्वारा ग्रामीणों को दिया जाता है। इसके साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि दारू पीकर चावल बांटा जाता है और नशे में धुत मानदास बघेल के द्वारा कुछ बोले जाने पर मेरा ऊपर तक राजनीतिक पकड़ है और मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, मेरा सरकार है, जहां जाना है वहां जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मानदास के द्वारा लगातार धमकियां दी जाती है जिससे ग्रामवासियों सहित अधिकारी भी डर कर उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। अच्छा, तो मिट्टी तेल मिलती कि नहीं मिले? आते चल देखो, कलत नहीं है, सिरा गए के ही नहीं बंद करके निकाल। कौन है मानदास? अच्छा, मानदास कौन है? डीलर है मानदास के। अच्छा, तो शक्कर उक्कर मिले चावल में? कैसे मिले? शक्कर नहीं मिले, एक किलो से दुबार मिले। ऊपर वाला अभी तक नहीं मिले? अभी माटी कहाँ के कहाँ है जी? कहाँ में रहा है? कौन सा है? झड़ी पंचायत। तो अभी चावल तो मिल गए? नहीं मिले। क्या मेहनत नहीं मिले? तो मतलब अप्रैल मई कुछ के नहीं डले, नहीं मिले, नहीं ले गए? का नाम बताया दाई? ए, कितना महीना का आपको सब कर दिया? 2 महीना जनवरी और फरवरी शक्कर नहीं मिले। राशन कार्ड जनवरी फरवरी मिले कि नहीं मिले? मिट्टी तेल लेके अभी नहीं लेके। कते दिन होगा मिट्टी तेल नहीं लेके? नहीं आवाज मिट्टी तेल लेके? मिट्टी तेल पर नहीं आवाज नहीं बोले नहीं अच्छे को बार मिट्टी तेल लेके बोले रहे? नहीं 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 वैसे तो नहीं नहीं तो कहाँ था? अभी कहाँ है चावल बात? चावल लेके लाए हैं दाई, तो कितना महीना का चावल दे हैं? 2 महीना जनवरी फरवरी कुछ है? जनवरी फरवरी 2 किलो भर दे। पिछले महीने के नहीं मिले?
अभी मिली 2 महीना तक के मिली से मात्र पहली मिला जाए एक तो मिट्टी तेल मिलत कि नहीं मिलत हम एक भी जाने लेगे साबन नहीं लेगा नहीं दे नहीं देव हम कच्चे लेगे बोल रे करे थोड़े आथा कि नहीं आवा चो कर आथा चाहू आर हेल पर नहीं मिला कह दी कसम दे अपन नाम बता दे जिसके बाद लोगों के द्वारा हिम्मत जुटाकर पत्रकारों को यह पूरी जानकारी दी जाती है। जब इस खबर की कवरेज आरजे रमझाझर के लोरमी संवाददाता हरजीत भास्कर के द्वारा की गई तो देखा गया कि कोरोना वायरस बीमारी छत्तीसगढ़ राज्य नहीं पूरे भारत में अपना कहर बरपा रहा है। भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा लगातार इस संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन एवं धारा 144 लगाकर संक्रमण के फैलाव को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ग्राम पंचायत झलकी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला और ना ही कोई मास्क लगाए हुए थे। चावल लेने आए हुए व्यक्तियों के द्वारा धूप में खड़े होकर अपने बारी का इंतजार किया जा रहा था और सोसाइटी संचालक मानदास बघेल के द्वारा पंखे का हवा लेते हुए बिना मास्क लगाए हुए चावल दिया जा रहा था। जब इस विषय में सोसाइटी संचालक मानदास बघेल से जानकारी लेने की कोशिश किया जाता है तो ऊंची पकड़ का धौंस दिखाते हुए बार बार मेरे ही सोसाइटी में आते हो कहकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी पत्रकारों को दी गई। पत्रकार अपनी आत्मरक्षा करते हुए लोरमी एसडीएम नवीन भगत एवं खुड़िया चौकी प्रभारी को ज्ञापन सौंपे जिसमें उचित कार्रवाई करने की मांग किया गया है। आज 4 दिन हो गए भगत एक कारण दिन फेंक आए रही समझे कैसे शुरू गलत सही बता ना ओखर बात कह ले उसने नहीं सिर्फ भाई एक बात बता आज 2 महीना इतना तो गरीबी है 2 महीना चावल तो मिले है 2 महीना चावल लगता है 1 महीना में खाते रहते हैं 2 महीना चावल खाते गरीबी वाले कोई जानना चाहेंगे कि आज आप लोगों के साथ दुर्द व्यवहार किया गया है पूरी सोसाइटी संचालक के द्वारा, इस पर क्या कहना? जी हम पहुंचे थे कवरेज समाचार कवरेज करने के लिए जो जनवरी और फरवरी का जो है इसी जनवरी और फरवरी पेंडिंग था, 70 नहीं दिया गया है ग्रामीण झलरी निवासी को। हाँ, इसी बात को लेकर हम वहाँ कवरेज करने गए और पूछताछ किया संचालक मानदास बघेल से, तो हमारे साथ गाली गलौज करने लगे, अभद्रता और दुर्व्यवहार करने लगे हमारे के साथ, और पत्रकार को बोलता है कि आओ उखाड़ लेगा, इस टाइप का धमकी भरा शब्द दिया है, जिसका ज्ञापन हम आज एसडीएम नवीन भगत के समक्ष ज्ञापन दिया है और उच्च अधिकारी से कार्रवाई करने के लिए FIR के लिए पत्रकारिता संरक्षण के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस बात को अमल करते हुए एसडीएम साहब जो है कार्रवाई का उपदेश किया है। जी, आगे जैसे कार्रवाई नहीं होगा तो क्या आप लोगों के द्वारा किया जाएगा फिर? जिस प्रकार का यदि कार्रवाई नहीं होती है तो वो अमला उसका बढ़ेगा और षडयंत्र रचकर हर एक पत्रकारिता के विरुद्ध षडयंत्र रचकर मारने और जिस प्रकार के चाली चुगली और जीवन एक खतरे में पड़ सकता है पत्रकार के भाइयों के लिए। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम माथन भेदगार है, जिला ब्यूरो प्राइम 18 न्यूज का तबादला। कितने पत्रकार वहाँ गए थे? हम 3 पत्रकार गए थे, आरजे रमझाझर मीडिया प्रभारी है रंजित भास्कर जी और CG24 क्राइम रिपोर्टर सुखबली खरे जी। तीनों रिपोर्टर को ललकारा गया है और ललकार के अब भगाते हुए इस दौरान से भग जाओ हर समय आते हो, और मैं करीब करीब 22 साल में पत्रकार संघ के द्वारा इसको कार्रवाई करवाएंगे हमारे हर एक चैनल का माध्यम से जो है, और पत्रकारिता का उसको धारा लगेगा ताकि वो फिर से दोबारा किसी पत्रकार के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करे। अब आने वाले दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि खबर के प्रसारण के बाद शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालक मानदास बघेल के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई होती है। कांग्रेस पार्टी के नाम से गुंडागर्दी करने वाले एवं कांग्रेस पार्टी के नाम को बदनाम करने वाले मानदास बघेल के बचाव में लोरमी के कांग्रेस पार्टी के दिग्गज खड़े होते हैं या नहीं। विगत 25 वर्षों से ग्राम पंचायत झलकी शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालक मानदास बघेल संचालक मनमानी लापरवाही करते हुए पिछले 2 महीने जनवरी फरवरी का चक्कर
ग्रामीण लोगों को नहीं दिया है। इस बात को लेकर 3 चैनलों के संवाददाता भी पहुंचे। ग्राम झलकी स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान की गड़बड़ी पाकर संचालक से जवाब मांगा तो शराब के नशे में धुत संचालक ने बाइट लेने व देने पर अभद्र व्यवहार गाली गलौज करते हुए रिपोर्टरों को खदेड़ दिया। साथ ही उप सरपंच खेम सिंह बघेल के साथ षड्यंत्र रचकर जान से मारने की धमकी एवं अप्राकृतिक कृत्य में फंसाने की धमकी दिया गया। ये 11 बार है आपको यही सोसाइटी में आना, शासन के अनुरूप ऑनलाइन दुकान चल रहा है, क्या मेरे को परेशान करते हो, लिखित में दो और लिखित में लो। ऑनलाइन है सक्कर, लेकिन 2 महीने का सक्कर देने में आपके तरफ से शिकायत मिल जाएगी। कौन दे ना तो बताओ यार, उसको मैं जवाब दूंगा यार। शिकायत के ऊपर कार्रवाई करवाइए। जिस व्यक्ति को शक्कर नहीं मिला है, चावल नहीं मिला, उसको मेरे पास नाम नाथ लाओ और शिकायत करवाओ, उसका जांच होना चाहिए और कार्रवाई होगा उसका। यहाँ 2-3 महीने का चावल हम बांट रहे हैं। 2-3 महीने का कौन कौन समय? अप्रैल मई जून। कितना बढ़ के रखे हैं चावल? गुलाबी कार्ड हुए पर यूनिट में 5 किलो आया है, प्राथमिकता चावल में 3 किलो पर यूनिट में आया है बढ़ के। किस तरीके से बांटा जा रहा है आपके द्वारा? किस तरीके से बांटा जा रहा है आपके द्वारा? टोकन सिस्टम पे बांटा था। लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। 7 बजे से दुकान खुलता है, 11 बजे बंद होता है। 50 कार्ड सुबह बांटते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में 50 कार्ड बांटते हैं, सब कार्ड बांटते हैं एक दिन में। क्या क्या दिया जा रहा है चावल के साथ? एक महीने का नमक है, 1 महीने का चावल है, 1 किलो चना। एक राशन कार्ड में कितने चना दें? 1 किलो। अपना नाम बताओ। मानदास बघेल। पंचायत का नाम? ग्राम पंचायत जल्दी। ठीक। दूसरी बात यह है कि 2 महीने का विलुप्त जो चावल जो है, ये शक्कर जो है, अभी वितरण नहीं हुआ है। कहाँ नहीं हुआ? दो महीने का शक्कर वितरण नहीं हुआ। पब्लिक से पहले पूछो, अब ये बात मैं बांट चुका हूँ, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा। 578 कार्ड है, 30 व्यक्ति को नहीं मिला है, उसके हिसाब से मतलब मीडिया में जवाब लो। अब मीडिया के हिसाब से मेरे पास कार्रवाई करो। एक कवरेज बाइट है पब्लिक की। हाँ जाओ बताओ तो फिर लो ना। विगत 3 महीने का, 2 महीना का पहले जो है शक्कर वितरण ग्राम पंचायत में नहीं हुआ, इस पर आपका क्या कहेंगे? मैं तो बार चुका हूँ। अच्छा ठीक, ग्रामों का तो कहना है ना, शिकायत है कि 2 महीने का शिकायत देना भाई, लिखित में शिकायत दे, कोई आदमी नाम बताओ उनको, हम भी उसके लिए कार्रवाई करेंगे जो नहीं पाया उसका। आपके ग्राम पंचायत का जो व्यक्ति जो है, ग्रामीण का आरोप है कि पुराने पूर्व 3 महीने बाद चावल जो शक्कर जो है वो नहीं मिला है। कौन बोला है? ग्रामीण बोला है आपका ना? कौन? हम फुटेज दिखाएंगे आप। नाम तो बताओ ना। नाम मैं नहीं जानता गाँव का। उनको चावल मिल चुका है, शक्कर मिल चुका है, नमक मिल चुका है, जो बोलते हैं बकवास है, रंजीत बस बोलते हैं, जिसे आप बोल रहे हो पत्रकार हो, मेरे दाई को चावल दो नहीं तो उल्टा पुल्टा होगा। अच्छा। आप ही बोल रहे हो पत्रकार। हम भी यहाँ आकर के चावल लेते हैं कि एक पत्रकार का, आपके द्वारा पूरे पत्रकारों को लोरमी का घसीटा जा रहा है, कारण क्या है? आप जो बोल रहे हो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। पूरे लोरमी क्षेत्र के पत्रकारों को आपके द्वारा घसीटा जा रहा है क्या? पूरे लोरमी क्षेत्र के सभी के सुखबली खरे माखन घितलहरे यही लोग बार बार यही सोसाइटी में आते हैं। कारण कुछ भी तो वजह होगा आपके ऊपर, कुछ तो आरोप होगा, कुछ तो जनताओं का शिकायत होगा उनके कारण। जनता के बारे में पूछ करके शिकायत करवाओ ना भाई, उसका जांच करवाओ ना। जांच में मैं सहमत हूँ, आप कभी शासन की भी सहमत हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही नाराज पत्रकारों ने अनुविभागीय अधिकारी एवं पुलिस चौकी से शपथ देकर पत्रकार संरक्षण अधिनियम में केस दर्ज करने की अपील की गई। साथ ही पूरे विश्व श्रमजीवी पत्रकार संगठन में हड़कंप मच गया। वही मीडिया जगत में संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई, सजा दिलाने व संचालक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग भी की गई। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।